खोलना है। इसको खोलने के बाद इसमें आपको कपड़े डालने हैं। कपड़े डालने के बाद आपको इसको लगा देना है, और लगाने के बाद आपको ये सेक्शन खोलना है। इस सेक्शन में आपका ये रहेगा सरफ सेक्शन, ये वाला, ये सरफ सेक्शन है, ये लिक्विड सेक्शन है, और ये आपका है प्री वॉश सेक्शन, मतलब जो लिक्विड में रहता है ना खुशबू वाला, वो आप यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, वो ले लेगी मशीन। ठीक है, इसे डालने के बाद इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये पूरी मशीन निकल जाती है, जिससे कि आप इसको क्लीन कर सको। ठीक है, क्लीन के बाद आप सिंपली इसको इसी तरीके से लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद आते हैं फिर प्रोग्राम पे। कपड़े डाल दिए, सर्फ डाल दिया, सर्फ डालने के बाद आ गए अपन प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम को अपन सिलेक्ट करेंगे, तो पहला है आपका देखिए क्विक वॉश। क्विक 50 में क्या होता है, ये 15 मिनट का टाइम रहता है, लेकिन इसकी लिमिट रहती है 5 से 6 कपड़े। ठीक है ना, 5 से 6 कपड़े रहेंगे क्विक पे। एंटी बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरिया में ये क्या करेगा, एंटी बैक्टीरिया में ये पानी को गर्म करेगा, उसके जो बैक्टीरिया रहता है, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई बीमार है तो उसके बैक्टीरिया होंगे कपड़ों में, खांसेगा तो उस बैक्टीरिया को खत्म करेगा। ठीक है, और ये फ्रेश अप है, फ्रेश अप इसलिए इसमें क्या करता है, ये पानी को ज्यादा कर लेता है, जिससे कि आपके कपड़ों में सिकुड़न नहीं आए और वो अच्छे से फ्रेश से रहे। ठीक है, इसके बाद आते हैं आप ये जींस डार्क वॉश। जब निकालना है कपड़ा तो वो रंग निकालने वाले वो आप इसमें डालेंगे, अलग से जींस के लिए कर सकते हैं, डार्क वॉश आपका इसमें रहेगा। या स्पोर्ट वेयर, स्पोर्ट वेयर इसलिए अलग है क्योंकि स्पोर्ट का जो कपड़ा होता है वो चिकना रहता है। ठीक है, शर्ट्स के लिए रिंग्स, रिंग्स का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए मैम आपने कपड़े डाले उनमें सर्फ ज्यादा था, एक बार में नहीं निकला, तो आप रिंग्स करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड आपका आता है कॉटन, कॉटन प्लस 60 टेम्परेचर के लिए लेबल लिखा है। ठीक है, सिंथेटिक मतलब दाग डब्बा, अगर दाग डब्बा है तो आप सिंथेटिक पे आएंगे। ठीक है, सिंथेटिक के बाद आता है मिक्स लोड। मिक्स लोड में क्या होता है, जो सारे कपड़े मिक्स हैं अपने, तो वो मिक्स लोड पे आ जाएंगे। ठीक है, डेलीकेट, डेलीकेट सिल्क एंड साड़ियों पे। ठीक है, इसके बाद आता है बूल, जो ऊनी कपड़ों के लिए, और ये आपका ड्रम डिस्कर, इसका मतलब ये हो गया मैम, जैसे एक टपक्लीन नाम का एक पाउडर आता है, ऑनलाइन आपको मिलेगा डिसोल्ड नाम से या टपक्लीन नाम से, वॉशिंग मशीन क्लीनिंग पाउडर इन तरीके से आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ड्रम इस पे लगा देना है और मशीन को स्टार्ट कर देना है। तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी 2 घंटे तक मशीन चलेगी, 3 महीने या 6 महीने में एक बार मशीन पूरी क्लीन हो जाएगी, अंदर से जितनी गंदी हुई सब निकल जाएगी। ठीक है, अब सबसे लास्ट पे नीचे देखिए ड्रेन एंड स्पिन, स्पिन ड्रेन, बात वही है, कहने का मतलब ये है कि ओनली स्पिन करने से बारिश में भीग गए, ओनली स्पिन के लिए आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए ये स्किन भाई आपके बताने लगी। इसके बाद ये स्टेटस बता रहा है, ये एलर्जी का बता रहा है कि प्लग इन है। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टार्ट करनी मशीन। अब देखिए ऊपर इसमें बता रहा है कि टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो टेम्परेचर, स्पीड, डेली एंड स्पीड, एंटी टेम्परेचर। ठीक है, ये प्री वॉश है आपका, यहाँ से ये आपने क्लिक कर दिया, तो प्री वॉश, प्री वॉश का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए अब आप चाहते हैं कि आपके जो कपड़ा है ना वो सोकिंग मोड पे जाएगी, मतलब पहले कपड़ों को बीच बीच में फुलाकर फिर वॉश करें, जो कि दाग फुलाने होता है ना वो, तो आपने यहाँ से प्री वॉश पे डाल दिया। ठीक है, प्री वॉश के बाद अब जैसे ये एनटी पे कर दोगे आप तो ये एनटी पे आ जाएगा, स्पीड करना है तो डेली स्पिन, ये टेम्परेचर भी आप कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि ये बता रहा है देखिए टेम्परेचर दे रहा है। ठीक है, और यहां से स्टार्ट ये हो गई, देखिए अब ये ऊपर लॉक आ गया, लॉक सिंबल मतलब लॉक हो चुकी है मशीन आपकी, स्टार्ट हो गई। देखिए ये सेंस करने लगी,